हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। सो गाइस, अगर आपको याद होगा मैंने एक महीना पहले ये वीडियो बनाई थी, आपके सामने दिख रही है, बाइक बॉथ 3 LPAS ज्वाइनिंग बोनस। ये था भारत पे कंपनी का जॉब अपडेट, जिसके अंदर मैं वीडियो ओपन कर देता हूँ तो यह देख सकते हो आप, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर जॉब एट भारत पे। इस वीडियो पर मैंने पूरा इन डिटेल बताया था कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे आप रेज्यूम अपलोड करोगे, कैसे अपने टिप्स एंड ट्रिक जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, और कैसे अपने रेज्यूम अपलोड करोगे। पूरे तरह से मैंने पूरा स्टेप बताया है, आप कहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसमें। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है मेरे साथ कि मैंने दिखाया तो था एक डेमो, हाँ ये रहा, जिसके अंदर मैंने पूरा बताया कैसे आप अपलोड करेंगे। मैंने अपना अपलोड भी करा था, अपना रेज्यूमे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ अपलोड किया था मैंने। अब एक महीने बाद मुझे आया कल एक कॉल, और कॉल था भारत पे HR से दैट हे गौरव, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर आर इंटरव्यू राउंड्स एंड इट वुड बी ग्रेट इफ यू अवेलेबल ऑन वेडनेसडे, मतलब कल मेरा इंटरव्यू है फॉर सेम, हेयर इज द ईमेल। 28 मार्च, आज है 29 तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 28 मार्च को मुझे फ़ोन आता है करीबन 12-1 बजे, एंड उसके 1-2 घंटे बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है भारत पे कंपनी के साथ फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। सामने आप देख सकते हो, मैं ओपन में कर देता हूँ मेल को। सो ये रहा पूरा, 30 मार्च 3-4 बजे है मेरा इंटरव्यू भारत पे कंपनी के अंदर है, एंड हियर इज माय रेज्यूम इज आल्सो अटैच्ड ऑन द मेल। सो ये वो रेज्यूम था जिसके थ्रू मैंने भारत पे कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ इंटरव्यू के लिए। अब ये वीडियो बनाने का अपडेट तो देना था मुझे एक, ये तो प्लस एक और बड़ा रीज़न ये था ये कि जो चीज़ आपको मैं शेयर करता हूँ ना गाइस, वो 100% ऑथेंटिक होता है। मैंने उसके अलावा और कुछ ट्राई नहीं किया होता, इवन मैं अभी जॉब भी एक्टिवली नहीं ढूंढ रहा। मैंने बस अप्लाई किया था आप लोगों को दिखाने के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे प्रॉपरली लाइफ बता के, क्योंकि जो प्रोसेस था ना भारत पे में अप्लाई करने का, थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस था, जहाँ पे आपको कॉन्सोल में कुछ ये अपना एक कोड ढूंढना होता है, वो कोड लिखना होता है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। इसलिए सोचा आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे आप अप्लाई करोगे। बट अब आप देख सकते हो अप्लाई किया मैंने, लेकिन मुझे ही फ़ोन आ गया। तो आई होप अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस ढंग से देखी होगी एंड आपने अगर अप्लाई किया होगा देन डेफिनेटली आपको भी कॉल आया होगा। मेन रीज़न क्या था बताने का, जो चीज़ आपको मैं शेयर करता हूँ कि गाइस अपना रेज्यूम ऐसे बनाइए, ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करिए, इससे आपको 100% रिजल्ट आएगा, वो सब चीज़ें वही होती हैं जो कि पर्सनली मैंने यूज़ की होती हैं, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे पता है उससे आपको रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। एंड दिस इज द लाइफ एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि भारत पे जैसी बड़ी कंपनी, तो फिनटेक कंपनी जो कि लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी है इंडिया के स्टार्टअप्स में, वहाँ से एक कॉल आता है। एंड रियली बिलीव मी दैट दिस इज अ काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट फॉर मी टू। मैंने खैर सोचा नहीं था भारत पे से मुझे फ़ोन आएगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन राउंड बहुत हार्ड होता है गाइस। मैंने वीडियो में बताया था इनका सिलेक्शन राउंड, जब अपना रेज्यूम भेजते हो तो इनका सिलेक्शन राउंड क्राइटेरिया बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्श इनकी स्क्रीनिंग होती है, प्रोफाइल स्क्रीनिंग, और उसके निकल के कॉल आना इज ऑलरेडी अ बिग अचीवमेंट, ताकि इनको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है। बाकी तो इंटरव्यू देखो गाइस, कल मेरा इंटरव्यू है, सो जस्ट विश मी लक फॉर दैट ऑल्सो। बट अगेन I don't know what going to be happen because are you ready for one of the biggest event for all the techies around the globe, the Grand Coding Contest? It's a place for all goodies, gadgets and prizes worth 10 lakhs. Grab your semicolons and jump into the battlefield and register now. मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करी हुई। एंड अगेन, अगर आप किसी कंपनी, खासकर भारत पे जैसी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हो, सो कम से कम 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन लगती है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, ड्यूरिंग योर डेली जॉब जॉब करते हो और इंटरव्यू प्रिपेयर करने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें रिवाइज करनी होती है, जो हमें पढ़ना पड़ता है, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं चीज़ें। अब जो चीज़ें मुझे आती है मैं उन्हीं के बेस में जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए, जो भी होगा स्टेटस मैं उसका भी अपडेट करूंगा। ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया कि मैं हो गया भैया रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो खत्म बात, जो भी जैसा आगे अपडेट रहता है 90% आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू रिजेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बट अगेन
हो सकता है मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड भी करूं, बट दिस इज नॉट अ लीगल वन, लाइक दिस वुड नॉट बी गुड फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ बात बनती है तो ऐसे कभी इंटरव्यू रिकॉर्ड करके नहीं डाल सकता, बट अपना एक एक्सपीरियंस भारत पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्रॉपर तरीके से शेयर करूंगा उस इंटरव्यू के बाद। और अगर मैं उस इंटरव्यू को भी क्रैक कर देता हूँ अगर अगला राउंड और आगे होता है, तो उसका अपडेट भी टाइम टू टाइम आपको दूंगा। बट द मेन रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस करंट टूडेज वीडियो इज दैट कि अब तक जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ आप एक बार उसको फॉलो करके देखो, मुझे रिजल्ट मिला है तो आपको भी डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एंड हियर इज अ लाइफ एग्जांपल इन ऑफ यू कि आप लोगों को अपडेट देने के चक्कर में मुझे भी कॉल आने शुरू हो गए हैं कंपनी से। सो खुद आप दे सकते हो कि कितना बड़ी मतलब बात है ये कि लाइव आता हूँ, लाइव अपडेट देता हूँ जॉब की, लाइव अप्लाई भी करता हूँ एंड मुझे वहाँ से कॉल बैक आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको भी उससे रिजल्ट आएगा। एंड जो रेज्यूम है गाइस, दिस इज द रेज्यूम विच आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट अराउंड वन ईयर, जो एक करंट जॉब जो मैं कर रहा हूँ इसी रेज्यूम के बेस मैंने क्रैक करा। पेपाल इंटरव्यू में भी शॉर्टलिस्ट इसी रेज्यूम की वजह से हुआ, मैं TCS, बुक माई शो और भी बहुत सी बड़ी कंपनियों में इस रेज्यूम के साथ ही शॉर्टलिस्ट हुआ था। सो आप इस रेज्यूम को यूज करके ट्राई करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो उसको। एंड प्रॉपर एक एक्सपीरियंस वीडियो भी बनाऊंगा भारत पे के साथ में, कैसे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, क्या क्या चीज़ें पूछी, क्या क्या मैंने आंसर दिया, एक प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ वीडियो इस पर डेफिनेटली बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि बड़ी कंपनीज में भी किस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं। एंड इन दिस इंटरव्यू एक्चुअली जो भी इंटरव्यू कल होने वाला है वो एक पैनल इंटरव्यू है। पैनल इंटरव्यू मतलब ये होता है कि एक बंदा नहीं होता, पैनल बैठता है, तो करीबन 4 से 5 लोग इंटरव्यू में बैठते हैं जिसमें एक कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक रीज़न था कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला दैट आई एम 90% श्योर आई एम गोइंग टू क्लीन बोल्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बिकॉज प्रिपरेशन जीरो है मेरी अभी, कोई मैं अभी एक्टिवली लुकआउट नहीं कर रहा जॉब के लिए, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड जस्ट जो इंटरव्यू में दे रहा हूँ वो जस्ट आपके लिए ही दूंगा ताकि मैं एक्सपीरियंस वीडियो, एक रियल एक्सपीरियंस वीडियो भी दे सकूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी गाइस सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर।